नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विभिन्न दफा मांगों को लेकर सदो असम आदिवासी छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द प्रभावित लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किए जाने का किया गया मांग। नेताजी छात्र युवा परिषद के 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्षव्यापी आयोजित की जा रही है कई कार्यक्रम। रक्तदान के जरिए शुरू किया गया विभिन्न सेवामूलक कार्य। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन व कई क्षेत्र में सामुदायिक मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया स्मारक लिपि। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर व्यक्त किया खुशी। आर्य संस्कृति बोधनी समिति के कार्यकर्ताओं को दुख से आयोजित वंदे मातरम कार्यक्रम को लेकर देखी गई लोगों में खुशी की दौर। भारत माता की पूजन सहित आयोजित किए गए महाप्रसाद वितरण व महायज्ञ कार्यक्रम। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में कृष्णकांत संदिकई मुक्त विश्वविद्यालय के तहत चलाई जा रही है कई परियोजनाएं। छात्र छात्रा होंगे लाभान्वित। दादा माधव कॉलेज में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सदो असम आदिवासी छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे पिछले दिनों धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का मांग था कि राज्य व केंद्र सरकार चुनाव से पहले आदिवासी लोग तथा आदिवासी छात्र छात्राओं को जमीन का पट्टा प्रदान किए जाने का वायदा किया था, लेकिन चुनाव के बीच जाने के बाद राज्य व केंद्र सरकार तथा भाजपा कार्यकर्तागण अपने वायदे से मुकर गए हैं और किसी प्रकार की सहयोगिता उन्हें मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही संरक्षण के मुद्दे को लेकर भी संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। झांसेबाजी का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप भी दागे गए। जल्द से जल्द उनकी मांगों की आपूर्ति के साथ साथ पीड़ित प्रभावित आदिवासी लोगों को भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने के सहित कई मांगों को लेकर इस दिन राज्य सरकार के समक्ष एक स्मारक लिपि जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री को पेश किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा किया और इसी दिन हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे अपना विक्षोभ प्रदर्शन किए। सरकार बोले आसार आगे जल्दी हमारा उन्हें सरकार गठन करते पारे हमारे भोट नहीं ताले उन्हीं আমাদেরকে তিন মাসের মধ্যে জনজাতিকরণ দিবে এবং আমাদের ল্যান্ডপাট্টা দিবে, কিন্তু আজ 15 বছর হয়ে গেল, উনি এখনো পর্যন্ত আমাদের জনজাতিকরণও দেয়নি এবং ল্যান্ডপাট্টাও আমাদেরকে দেয়নি। খালি নিশ্চয় বলবে যে আমি আদিবাসীর জন্য এইটা করেছি ওইটা করেছি, কিন্তু বাস্তবে গেলে এখনো পর্যন্ত আদিবাসী মানুষ একটা পাট্টাও পায়নি। অনেক আদিবাসীরা অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ অনেক অনেক মানুষ যে নিজের জমির জন্য অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওনারা পাট্টা পায়নি। তাই আমরা এই যে আজ ধর্ণা কার্যসূচি 2 ঘন্টার হয়েছে, এইটাতে আমরা অসম সরকার এবং ভারত সরকারকে ডাইরেক্ট বলতে চাই, জলদি 2026 ইলেকশনের আগে আমরা পড়াতে হয় কলেজ শিলচর আনে মে 200 লাখ যাতে হম কেসে পড়েঙ্গে। तो इसलिए मैं हाजिरा के बारे में बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे जितना हाजिरा देते हो कम से कम उतना तो हम लोगों को दो। उन लोगों ने जितना काम करते हम लोग भी उतना काम करते, उन लोगों ने 8 घंटा करते वो भी 8 घंटा करते, यहाँ पे क्यों काम मिलता है पैसा, वहाँ पे क्यों ज्यादा। आज हम लोगों को मोदी जी को यही बोलना चाहते हैं और हमारा हिमंत बिश्व शर्मा सरकार को कि आदिवासी को देखे, वोट के हिसाब से वोट के टाइम सब लोग आते हैं वोट ले जाते हैं, हम लोगों को कोई नहीं पूछता, वोट खत्म हम लोग खत्म। तो यही बोलना चाहते हैं एक बार हम लोग आदिवासी को अपना मर्यादा दीजिए, हम लोग ST दीजिए, हम लोग का लैंड पट्टा दीजिए। हम लोग इसी भारत के निवासी, हम लोग बाहर से नहीं आए कि हम लोग इस तरह से लोग दूर छी करे। इसी यही बात मैं रिक्वेस्ट और पूछना चाहता हूँ। नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन के 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकार सम्मेलन में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिलू दास व दूसरे सदस्यों ने जानकारी दिया कि 24वीं वर्षगांठ को केंद्रित कर रजत जयंती वर्ष पालन किया जा रहा है और इसी वर्ष के तहत विभिन्न परियोजना हाथों में लिया गया है। कई सेवामूलक परियोजनाओं के साथ साथ संगठन द्वारा किए गए पिछले 24 सालों की विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों का विस्तारित तथ्य भी बयान किया गया।
गौरतलब है कि कछार कैंसर अस्पताल में रक्तदान शिविर के जरिए संगठन का विभिन्न उत्सव उद्यापन कार्यक्रम शुरू किया गया और इसी के तहत रजत जयंती वर्ष उद्यापन समारोह का इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर शुभारंभ भी किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता दिलू दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। নিউ শিলচর এলাকা তো আমার সংগঠনের জন্ম, এবং দেখতে দেখতে আমরা 24 বছর ক্রস করে আগামী 3 সেপ্টেম্বর আমরা 25-এ পা দিচ্ছি। এর উপলক্ষে আমরা 1 বছরব্যাপী বিভিন্ন মানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং এই জন্যই মানে আপনার এই আজকে আয়োজন। এবং আপনারা জানেন আমাদের এগুলো আমরা নিয়েছি, তারপরে স্কুল লেভেল, কলেজ লেভেল, ইউনিভার্সিটি লেভেলে আমরা কুইজ, সিম্পোজিয়াম, ডিবেট, বিতর্ক যেগুলো এগুলো আমরা হাতে নিয়েছি। তো মোটের উপর আমরা 25টা প্রোগ্রাম, আর বেশি প্রোগ্রাম হবে আশা রাখি, সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি। আর মূলত হচ্ছে নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার যে বিগত কাজ সবটাই হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে করা, মানে সেবা ধর্ম যেটা আপনারা জানেন, আমরা কী বলি শিবজ্ঞানে জীব সেবা, জীব সেবার জন্য নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থা একটা মাইল ফলো একটা অতিক্রম শুরু করেছিল। তার স্বপ্ন আজকে 25 বছর, একটা সংস্থা তার সততা নিষ্ঠা এবং সিনসিয়ারিটি না থাকলে 25 বছর কিন্তু খুবই কষ্টসাধ্য, সেটাকে প্রমাণ করে 25 বছর যাওয়া মানে তার মধ্যে সততা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছিল এবং সমাজের জন্য কাজ করার একটা প্রেরণা ছিল। আমরা আপনাদের কাছে সাহায্য জন্য আবেদন করছি, আপনারা আমাদের সহায়তা করবেন, তাতে আমরা 25 বছরের প্রোগ্রামটা সুন্দরভাবে সফলভাবে উদযাপন করতে পারি। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन व कई क्षेत्र में सामुदायिक मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया स्मारक लिपि, पुलिस प्रशासन की भूमिका पर व्यक्त किया खुशी। কাটিগুড়াতে যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, যে দুইটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, সেটা নিয়ে আমাদের কাটিগোড়ার বিধায়ক, বরকোলার বিধায়ক সহ জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল আজকে পুলিশ সুপারের সাথে আমরা দেখা করেছি, এবং আমরা পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ দিয়েছি যে উনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, জল বেশি দূর গড়ায়নি, কিন্তু বর্তমানেও এত অঞ্চলে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার এবং প্রত্যেকে একটা আতঙ্কের অবস্থা জীবনযাপন করছেন। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছি যে অতি সত্বর যেন পশ্চিম কাটিগোড়া অঞ্চল নিয়ে একটা শান্তি কমিটি গঠন করা হয়, সেখানে যেন জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের মানুষ দিয়ে এবং স্থানীয় কিছু নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে এটা যেন শান্তি কমিটি গঠন হলে এলাকায় একটা শান্তি বিরাজ করবে, এবং ভবিষ্যতে যেন কাছাড় জেলাতে যেন কোনো অবস্থাতে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট না হয় সেই ব্যাপারে যেন সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমরা ওনাকে অনুরোধ জানিয়েছি, এবং এই ঘটনাতে প্রকৃত দোষী যারা আছেন ওনাদেরকে যেন পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে। आरएसएस की बोधनी समिति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिशिर के समाचरण देव विद्यापीठ में श्रद्धा मर्यादा के साथ भारत माता पूजन कार्यक्रम, वंदे मातरम उत्सव तथा महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में शिलचर शहर के जाने माने हस्तीगण मौजूद रहकर अपने अपने मतों का बखान भी किए। भारत माता के पूजन के साथ साथ इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किया गया और महायज्ञ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अंतिम चरण में वंदे मातरम संगीत के जरिए पूरे इलाके को विभिन्न कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज से रंग दिया और दर्शक श्रोताओं का दिल जीतते हुए संगठन का समापन कार्यक्रम संपन्न किया गया।
छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावित किए जाने के साथ साथ भविष्य गठन के उद्देश्य को सामने रख कृष्णकांत संधि के मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ाघाटी के विभिन्न कॉलेज में शाखा कार्यालय खोला जा रहा है। इसी के तहत सिलचर के राधा माधव कॉलेज में संगठन कार्यकर्ता तथा जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। जिन जिन कोर्स के जरिए छात्र छात्रा लाभान्वित हो पाएंगे और दाखिला ले पाएंगे इस बात पर भी विस्तारित तौर पर चर्चा किया गया। इग्नू के साथ साथ दूसरे कई राष्ट्रायत्त संस्थान शिक्षा प्रतिष्ठान के अनुमोदन प्राप्त के हैंडिक यानी कृष्णकांत संधि के मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र छात्र लाभान्वित हो पाएंगे। कई पहलुओं को लेकर संगठन के उपाचार्य व दूसरे हस्तियों ने राधा माधव कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ कई पहलुओं पर आलोकपात किए।15 diploma and 11 certificate professional in nature. And recently, 2-3 days back, we have submitted for approval of master degree in Hindi within 2-3 days. And we are also opening the program for our learners across Assam. From January to 2025, we are Master of Librarian Information Science. अभी कंसेशन देना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं कि उन लोगों के सर्टिफिकेट डिप्लोमा करें, एक्स्ट्रा डिग्री करें स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में जो फीस है उसका 4,000 है, उसको 2,000 में अभी एडमिशन ले सकता है। सारा असम आंवला संस्था के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के हिंदी भवन में कछार जिला कमेटी का सभा आयोजित किया गया। इस सभा में नए कमेटी गठन के साथ साथ कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर आलोकपात किए गए। नए पेंशन नीति का विरोधिता करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुराना पेंशन नीति चालू किए जाने का मांग रखा। साथ ही अस्थायी पदों की आपूर्ति तथा रिक्त पड़े पदों पर नए तौर पर नौकरी प्रदान व कुछ लोगों की पदोन्नति, कई अफसरों की विभिन्न क्षेत्र में बकाया राशि प्रदान करना व कई दफा मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि हाल ही में गुवाहाटी तथा करीमगंज जिले में आयोजित होने वाले समावर्तन कार्यक्रम में संगठन कार्यकर्ताओं को भाग लेने के लिए अपील भी किया गया। राज्य व केंद्र सरकार से नौकरी के स्थायीकरण, पदोन्नति के साथ साथ पेंशन नीति को बंद कर पुराने पेंशन नीति चालू किए जाने का मांग भी रखा जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता लालन ग्वाला ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और नए कमेटी का भी गठन किया। प्रदाने सहायक होबे एते कोनो संदेहर अवकाश नहीं, आपनारा सुस्थ थाकुन कर्मक्षम थाकुन एई कामना करछि। আজকের এই সভায় উপস্থিত সদৌষ মামলা সংস্থার সর্বস্তরের প্রাক্তন তথা বর্তমান কর্তা ব্যক্তি এবং কার্যকরী সদস্য সদস্যগণের উদ্দেশ্যেও জানাচ্ছি আমার উষ্ণ অভিনন্দন। আর তাদের পদোন্নতি হচ্ছে না এবং কয়েকটা ক্ষেত্রে কিছু অভিযোগও রয়েছে, সেই জায়গায় রাজ্য সরকারের কাছে আপনাদের কি দাবি থাকবে? ইতিমধ্যে আমাদের যারা পদোন্নতির ব্যাপারে আমাদের সংস্থার সাথে যারা যোগাযোগ করছেন তাদের জন্য কিন্তু আমরা সেই সব সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে লড়াই করছি এবং যাতে তার কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সংস্থা একটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে যাচ্ছে। তৎসঙ্গে আমরা সরকারকে ইতিমধ্যে লিখেছি এবং আমাদের যেটা কেন্দ্রীয় অধিবেশন হয়েছিল 2023-এ সেই অধিবেশনে পদোন্নতির ব্যাপারে আমরা একটা জোরদার আওয়াজ দিয়েছি সরকারকে। শেষ পর্যায়ে জানতে চাইব আপনার আজকে এই সংগঠন বা কর্মচারী আপনার সহযোগীদের সাথে কী বলতে চাইবেন? বুঝতে পারিনি কী বলবেন? সহযোগীদের কী বলতে চাইবেন না আজকে? সহযোগীদের আমি এটাই বলবো যে আমাদের কর্মচারী সহযোগী যারা আছে ওদের নানান অভিযোগ সব কিছু দিয়ে আমরা অংশগ্রহণ তাদের সহযোগিতা আমরা করে যাচ্ছি। আর আপনি একটু আগে বলেছেন যে ন্যাশনাল পেনশন স্কিমে এখন UPS দিয়েছে, ইউনিফাইড পেনশন স্কিম, সেই ইউনিফাইড পেনশন স্কিমটা আমরা গ্রহণ করবো না। অতি সত্ত্বর আমাদের কর্মচারীদের সঙ্গে মিলে এটা রাজ্যস্তরে একটা মিটিং আছে, আমাদের রাজ্যস্তরের মিটিংয়ে 14 তারিখ বা 15 তারিখে মিটিং হবে, সেইখানে আমরা এটা সিদ্ধান্ত নেব। ধন্যবাদ স্যার।